नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ बेतालघाट में और आज बेतालघाट महोत्सव 2024 का पहला दिन है और आज हमारे साथ में बेतालघाट में मौजूद हैं हमारे स्टार गायक जितेंद्र तुमक्याल जी। जितेंद्र तुमक्याल एक हमारे अच्छे मित्र भी हैं और हमारा सौभाग्य कि हमेशा ही बेतालघाट में अपनी प्रस्तुति देने आते हैं और एक छाए हुए कलाकार हैं। तो जीतू भाई, कैसा लगता है आपको बेतालघाट? सबसे पहले तो उत्तराखंड की समस्त जनता को मैं जितेंद्र तुमक्याल का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम, और मुझे बहुत अच्छा लगता है और हर बार यहाँ बहुत टाइम से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही मोहित भाई लोगों का सहयोग है, आलसी जी का सहयोग है और अरोड़ा जी का सहयोग है, तारा भंडारी जी का और जितने भी आयोजक मंडल हैं सभी का सहयोग है और हर वर्ष मुझे यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। जीतू भाई, आपका एक सबसे पहले जो गाना सबसे वायरल हुआ था कौन सा वाला था जिसको आपको पहचान मिली? देखिए, गाने तो मेरे बहुत हैं, स्टार्टिंग मैंने 2007 से करी थी और खिड़की माँ बैठी दू बाल बनौनी से जो गीत था उससे शुरुआत करी थी। उसके बाद संगीता में फ़ोन करो रो, रुमालिका गांठा, औरंगली धाना, बाल भानु का साथ माँ, शिलगाड़ी का पाला चला वो साली, मन्नू दास और पे फ्लैक्सी कर दे, तो इस बहुत सारे गीत हैं और सभी गीतों को जनता ने बहुत सारा प्यार दिया, तो सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और संगीता रेड गई पाँच का फतेह लो मैं, ये गीत भी लोगों ने बोला तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दो लाइन संगीता वाला थोड़ा सा। गोरी मुखड़ी तेरी संगीता बस न चलो मन मा, तेरे दगाड़ा माया लगी ग्वाला खेल खेलू मा, संगीता रड़ गयो मैं बाज का पतेलू मा, फंस गयो अलजी गयो हाँ हाँ हाँ, फंस गयो अलजी गयो फंस गयो, अरे संगीता तेरी माया का झमेलू मा, संगीता तेरी माया का झमेलू मा। जी तो भाई, आपकी गाने जितने भी हैं सारे सुपर हिट है एकदम, और अभी आपकी जो प्रस्तुति है खाली इंडिया में तो क्या, आप विदेश भी होके आ गए? मैं 2017-18 में मैं 4 कंट्री में होके आया हूँ, दुबई, कुवैत, मस्कर और कतर, और साथ में अबू धाबी में भी कार्यक्रम था वहाँ जा चुका हूँ। उसके अलावा मुंबई में मैं हर बार ही जाता हूँ, जितने बार भी प्रोग्राम होते कौथिक के, लगभग इसी साल गैप हुआ, वहाँ की हर साल जाता हूँ। बिल्कुल जी तो भाई, जैसे कि आपके गाने तो सभी लोग सुनते हैं लेकिन आपकी जो व्यक्तिगत बात है, चाहे आपका गाँव कहाँ है, वर्तमान में आप वैसे कहाँ रहते हैं, तो वो उसके बारे में ज़रा जनता को। मेरा गाँव जो है वो मुनस्यारी मतकोट में है और हिमालय के जड़ में बसा हुआ गाँव है, हिमालय से हूँ मैं, और इस समय जो मेरा वर्तमान जो रहने का स्थान है, जो घर है मेरा, वो है रुद्रपुर में, दिनेशपुर में। अच्छा। तो मतलब आते जाते रहते हैं पहाड़ और इधर। बिल्कुल, पहाड़ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं हमारे जीतू भाई, और जीतू भाई हम दो बात आपसे ज़रूर करेंगे क्योंकि हम अपने पिछले अस्तित्व को नहीं छोड़ सकते, पप्पू कार्की और प्रहलाद मेहरा जी जो कि हमारे उत्तराखंड की एक शान रह चुके हैं, आज दोनों लोग हमारे बीच में नहीं हैं, हम उनके पुण्य आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, तो आप उनके बारे में, दोनों व्यक्तियों के बारे में कैसे? देखो उनके बारे में क्या कहना, वो तो दोनों महान हस्तियाँ थी और पप्पू भाई ने हमारे फोक चीज़ों को काफ़ी आगे बढ़ाया था, और शायद आज वो जीवित होते तो जो हमारे जो उत्तराखंड के जो फोक चीज़ें हैं उनको मेरे ख्याल से और आगे तक ले जाए। और प्रहलाद मेहरा जी तो ऐसे आर्टिस्ट थे, ऐसे कलाकार, उनके जो गीतों के विषय होते थे वो बहुत ज़बरदस्त, वो हर क्षेत्र में मतलब देख के, मतलब जैसे क्या चल रहा है इस समय उसको देखते हुए, मतलब वास्तविक धरातल की उसकी उसको देख के वो गाने बना देते, और उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला प्रहलाद मेहरा जी से, तो दोनों को श्रद्धा नमन करता हूँ मैं। तो ये थे हमारे जितेंद्र तुमक्याल जी जिन्होंने अपने उत्तराखंड में एक अलग छाप छोड़ी है, आज इनके लाखों दर्शक उत्तराखंड में हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो इनकी फैन फॉलोइंग में हैं, तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जितेंद्र भाई आपको। मैं न्यूज नेटवर्क जो हमारे मोहित भाई का नेटवर्क जो न्यूज है, न्यूज चैनल है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे जो पहाड़ की सुंदरता है, पहाड़ की पीड़ा है, हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, तो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाते हैं, और इनका बेतालघाट नैनीताल करके पेज है, तो हम लोग देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको अपने चैनल और पेज के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।